जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और उसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आटे के साथ ही हमें जरूरत होगी सूजी की। जितना मैंने आटा लिया है उसकी जस्ट हाफ मैंने सूजी लिया है, और आप ये मेजरमेंट अपने घर में किसी भी कप या कटोरी के साथ कर सकते हैं। साथ ही हमें जरूरत होगी 1/2 कप बेसन की। मैंने इसमें 1/2 कप बेसन, 1/2 कप सूजी और 1 कप नॉर्मल गेहूं का आटा डाल दिया है। इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। सबसे पहले डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, और अजवाइन को डालने से पहले आप हाथ से हल्का सा क्रश जरूर कर लें। साथ ही डालते हैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्चे। बहुत ज्यादा मसालों के साथ हम इसे नहीं बनाएंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए, और एक बार अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। सूखी चीजें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और अब आप डाल देते हैं इसमें ये 1/2 कप दही। हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और ये सब चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और इसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी और सब चीजें आपस में अच्छे से कंबाइंड हो जाएंगी। बैटर को रखे हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं, और जो सूजी थी वो बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये 2-3 हरी मिर्चें, जिसे रफली चॉप कर लिया है, और इसी तरीके से मैंने लिया है ये 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, जिसे छील कर काट लिया है, वो भी डाल देते हैं। इसमें हरी मिर्च और अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही लिया है ये हरा धनिया, और उसे भी मैंने काट लिया है, वो भी डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे एकदम बहुत बारीक चॉप किया है। इसके बाद एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि बैटर अभी थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। और बस इसके बाद गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर तवा रख देंगे, और तवे को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद अपने आटा, सूजी और बेसन का जो बैटर था उसका 1-1 चम्मच हम डालते जाएंगे और हल्का सा फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा ड्राई होने देते हैं, और जैसे ही हमारा चीला हल्का सा ड्राई होता है इसे टर्न कर देंगे। और चीले को सिकते हुए 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं। अब एक बार फिर से टर्न कर देते हैं, और देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है, और हमारा ये चीला दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सीख चुका है। बस इसे तवे से उतार लेंगे, और ये हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और घर के सामानों से ही बने हुए चीले बनकर तैयार हैं। आप इन्हें कभी भी ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। ये रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। तैयार है, बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। रेसिपी का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।